ओके, लेट्स मूव, शुरू करते हैं। नाउ आई गॉट साइन अप वाया ओरेकल यूज़र, ठीक है। सो इसको भी ज़रा मॉडिफाई कर लें। ओके, नाउ वी आर रेडी टू जस्ट रन आर इंस्टॉलर। बिफोर रनिंग, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू सर्टिफाई? ओके डियर, वी आर हेयर एंड दिस वन स्क्रीन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज ओ एफ ए, ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। अगर आपके पास क्वाइट ठीक ठाक बड़ा लाइक ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स हो, जस्ट लाइक जैसे आजकल ओरेकल है, इट्स नॉट ऑनली अ डेटाबेस, एप्लीकेशन सर्वर, लिसनर, पैकेजेस, सो मेनी टूल्स, लेगेसी सिस्टम से डेटा आपने जिसे कहते हैं इंपोर्ट करना है, आपके पास एसक्यूएल प्लस, आरमैन, ओरेकल सिक्योर बैकअप, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए ओरेकल, आपके पास वॉलेट मैनेजर, सो मेनी अदर थिंग्स आर अवेलेबल। इन एडिशन, इट माइट बी पॉसिबल कि आप एक मशीन के ऊपर, इफ योर मशीन इज एस एम पी, यू वॉन्ट टू, यू आर इंटरेस्टेड टू डू अ मल्टीपल इंस्टॉलेशन, आप ए एस भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेटा बेस भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, फाइनेंशियल भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली यू हैव टू मैनेज मल्टीपल ऑरिकल डेटा बेसिस और डिफरेंट ऑरिकल होम्स, फिर उन्होंने प्रॉपरली ग्रोथ भी करनी है, उनकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज भी करनी है, उसके लिए ऑरिकल रिकमेंड करता है ओ एफ ए। ओ एफ ए इज बेसिकली अ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन विच टॉप ऑफ द लिस्ट इज बेसिकली योर रूट, एंड देन यू हैव डिफरेंट, जस्ट लाइक जैसे आप कभी ऑरिकल फाइनेंशियल वगैरह की भी डिप्लॉयमेंट देखें, सो उसमें ए एस का उसका सेपरेट है, डी एस का उसका होम सेपरेट है, परफेक्टली लाइक इसी तरह से एप्लीकेशन मैनेजर बिल्कुल सेपरेट किया, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक हेयर इन अ डेटा बेस। हम भी यहाँ पे ये लोग काम करेंगे कि हम हर एक के प्रॉपर अप्रोप्रिएट फोल्डर होंगे, लाइक ट्रेसिंग के लिए सेपरेट, लॉगिंग के लिए सेपरेट, डेटा के लिए सेपरेट, सॉफ्टवेयर के लिए सेपरेट। इन एडिशन वी हैव टू यूज सम नेमिंग कन्वेंशन, लाइक कंट्रोल फाइल्स की अपनी नेमिंग कन्वेंशन है, रीडू लॉग फाइल्स की, और जो भी आपकी टेबल स्पेसिस हैं उसके लिए। इन एडिशन वी ऑल्सो नीड सम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, लाइक चंदे को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द लास्ट वन इज एनालाइज अंडरस्कोर लैंग, दैट पैरामीटर शुड ऑल्सो बी हैव, शुड हैव अ करेक्ट वैल्यू, जिसमें आपकी लैंग्वेज, टेरिटरी और क्लाइंट वगैरह सब चीज़ें आ जाएंगी। आफ्टर डैट यू हैव टू रन ऑरेकल यूनिवर्सल इंस्टॉलर एंड यू वुड व्यू द इंफॉर्मेशन लाइक दिस वन। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से स्विचअप होते हैं और इन रियलिटी इसको करके चेकआउट करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इंस्टॉलर। लेंगी जनाब, जी ओरेकल होम लोकेशन, ये देखें इसने डॉट बैश प्रोफाइल से सब चीजें ऑटोमेटिक लोड कर ली। ये डॉट बैश प्रोफाइल आपकी उस वक्त पड़ी गई जब आप ओरेकल यूजर पे साइन अप हुए थे, उसने एनवायरमेंटल वेरिएबल्स वहां से गेट कर ली। इफ यू वांट टू मूव ऑन द एडवांस इंस्टॉलेशन, प्रेस नेक्स्ट। जी, इफ यू हैव नेवर इंस्टॉल्ड एनी ओरेकल प्रोडक्ट देन यू वुड सी दिस वन विंडो, अदरवाइज अगर आप सेकेंड टाइम इंस्टॉलेशन करेंगे तो शायद ही आपको नजर नहीं आएगी। बेसिकली ये विंडो होती है फॉर ओरेकल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ओरेकल टिपिकली अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए तकरीबन 150 किलो बाइट्स पर प्रोडक्ट के नाम की एक फोल्डर बनाता है, लाइक ओरेकल में ओरा इन्वेंट्री का, और उसमें जो भी आपने डिफरेंट ओरेकल की प्रोडक्ट्स, लाइक यू हैव डन इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशन सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ओसीएस, फाइनेंशियल, उन तमाम की इसके अंदर एंट्रीज बना के रखता है, जिससे इसको मल्टीपल ओरेकल होम्स वगैरह की डिपेंडेंसी रेजोल्यूट करने के लिए हेल्प आउट होती है। रिमेंबर, आम डेटाबेस का यूनिक्स ग्रुप डीबीए होता है, बट जो आपके इन्वेंट्री क्रेडेंशियल है, इसके लिए योर ग्रुप शुड बी ओ इंस्टॉल, नॉट अ डीबीए। जो रिलीज वन तक था, यू कैन यूज डीबीए, बट हेयर इट इज हाईली हाईली रिकमेंडेड यू हैव टू यूज ओ इंस्टॉल। ठीक है, आप यहाँ पे ओ इंस्टॉल यूज करेंगे, जिसके पास इतनी परमिशन हो कि वो ओरेकल इन्वेंट्री और इसके डिफरेंट क्रेडेंशियल्स वगैरह को मेंटेन कर ले। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि आपको ये वाली स्क्रीन व्यूएबल ना हो। मेटा डेटा, उसके ओरेकल होम का मेटा डेटा,
Now this one is select installation type. You want to use some enterprise edition, like उसमें तमाम integrated facilities, RMAN, security, high availability, manageability, scalability, उसका integrated EM, जो भी आपकी mission and critical databases हैं उसके लिए it is highly recommended कि आप enterprise server करें. Then ये by default उसका home बता रहा है और उसका path जो कि आपने अभी इसको बताया था. Then the last one, अब इसने automatic prerequisites check करनी है. Like ये देखें लग गया अपने काम पे, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिस्टम पैकेजेस वगैरह की, कर्नल पैरामीटर्स की, तमाम की जिसे कहते हैं ये बताएगा आपसे जी. विच वन गिव्स यू वार्निंग? नथिंग, ऑल आर डन. जी ना, अकॉर्डिंग टू योर बुक आई एम गोइंग नॉट गोइंग टू क्रिएट सम स्टार्टर डेटाबेस, आई एम गोइंग टू जस्ट इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर. उसके बाद हम DBCA से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, वी कैन यूज इट. ओके, सो आर यू इंटरेस्टेड के 10.2.0.1 और ये लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बता रहा है जिसकी ऑटोमेटिकली डिपेंडेंसी रेजोल्यूट एज यू विश. EM या DBCA, वैसे यूजली DBCA यूज होता है. EM तो एक ही सूरत में यूज होगा ना, इफ यू आर गोइंग टू, इफ यू आर हैव इंस्टॉल्ड सम ग्रिड, अगर आपने ग्रिड कंट्रोल इंस्टॉल किया है देन तो आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप यूज नहीं कर सकते. नहीं, DBCA इज अ बेस्ट ऑन टूल फ्रॉम विच यू हैव टू क्रिएट, बिकॉज EM किसी डेटाबेस के साथ बाइंडेड होता है. आप देखें, आप डेटाबेस का इंटीग्रेटेड कंसोल यूज कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड कंसोल उस डेटाबेस की प्रॉपर्टी है. हाँ, अगर आप ग्रिड करते हैं, क्योंकि ग्रिड वो कंसोल सबके लिए कॉमन होता है, तो आप जो मर्जी डेटाबेस क्रिएट करें, ड्रॉप करें, नेवर माइंड. लेकिन जो बाय डिफॉल्ट प्री स्टार्टेड डेटाबेस होता है, हर एक डेटाबेस अपने कंसोल के साथ एक्टिवेट होता है. कंसोल मीन EM, उसका अपना एप्लीकेशन सर्वर, उसका अपना EM होता है. 10G ग्रिड के लिए है, बट ग्रिड इज समथिंग एल्स. उसके लिए आपको वगैरह से ग्रिड कंट्रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. यू हैव टू कॉन्फिगर ग्रिड सेपरेटली. This one is not by default your grid. ये आपकी regular 10G database है. Rack पे अगर upgrade करना हो तो पहले grid पे जाना चाहिए. Never mind, no. आपको rack करने के लिए grid करने की कोई जरूरत नहीं है. They are not interdependent to each and everything. Grid एक facility है. आप चाहे किसी client के ऊपर बैठ के grid को कर लें, चाहे windows के ऊपर grid को कर लें, और servers आपके जो हैं सारे के सारे Unix based हैं. So it's never mind. उसका काम है आपको एक GUI interface provide करना, जिससे आप मल्टीपल डेटाबेसिस को, स्टोरेज डिवाइसेस को हैंडल कर लें ग्राफिकली, लाइक ऑन योर ब्राउजर. वो आप किसी भी टूल कहीं पे भी इंस्टॉल कर लें, नेवर माइंड. जी जी, अभी वो आएगी जब डेटाबेस बनने, अभी तो हम सॉफ्टवेयर कर रहे हैं ना. अभी अगले चैप्टर में जब हम डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे तो दो करेक्टर सेट आएंगे, नेशनल करेक्टर सेट एंड डेटाबेस करेक्टर सेट. एट दैट टाइम बात होगी सुपर सेट, सब सेट. यूनिकोड 4.0 को भी सपोर्ट करता है, ओरेकल 10G सपोर्ट्स यूनिकोड 4.0. तो आप AL16, UDF16 जो बाय डिफॉल्ट है इसका नेशनल करेक्टर सेट, आप वो भी यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू. लेकिन उसमें सबसे बड़ी इंप्लीकेशन ये होती है कि सिंगल बाइट, वेरिएबल साइज या सिंगल विड्थ, या आपकी जिसे कहते हैं मल्टीपल बाइट वेरिएबल विड्थ यूज करना है. परफॉर्मेंस वर्सेस रिलायबिलिटी दोनों का इशू है. जी हाँ, डेफिनेटली. अगर आप फिक्स लेंथ, फिक्स साइज यूज करते हैं, सिंगल बाइट फिक्स लेंथ का यूज करते हैं, तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है. और अगर आप यूज करते हैं मल्टीपल साइज वेरिएबल विड्थ, तो डेफिनेटली वो तो रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है उसमें फिर कितनी ज़्यादा उसको करने पड़ेंगे, सब उसको अपने बनाने पड़ेंगे करेक्टर्स वगैरह. जैसे एशियन लैंग्वेजेस हैं, थाई है एंड सो मैनी चाइनीज है, उसमें ये काम करना पड़ता है. नो, एनालिस का पूरा एक चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको पूरे प्रॉपर वे के साथ डिस्कस करेंगे. उसमें ये होता है कि देखें, क्लाइंट टू सर्वर एनालिस ऑटोमेटिक रेजोल्यूट हो जाती है. The thing is that if client is on a superset and database is on a subset, तो मसला है. But if your server is on a superset and your client is on a subset, कोई मसला नहीं.
अब इसमें ज़्यादातर ये है कि अगर कोई आपका इंटरनेशनल बैंक है जिसने मल्टीपल सिटीज़ या कह लें मल्टीपल सिविलाइजेशंस में ओपन है, तो वो यूनिकोड इज़ द बेस्ट वन। यूनिकोड यूज़ कर लें, यूनिकोड में तमाम के तमाम लैंग्वेजेस, तमाम के तमाम सॉर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग इंटरकन्वर्टेबल हैं, सो वो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन यूनिकोड में भी बड़े आगे से स्टेटस हैं। यूनिकोड में सिंगल बाइट भी है, यूनिकोड में डबल बाइट भी है, एंड यूनिकोड में फिक्स लेंथ भी है, वेरिएबल लेंथ भी है। ओके, लास्ट वन, ये हमें चंद एक स्क्रिप्ट कहेगा कि जी आप एज अ रूट साइन अप होके स्क्रिप्ट चलाएं। इसमें से एक तो ओरा INST रूट डॉट SH है, ताकि ये इसके बिन फोल्डर के अंदर इसके प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर दे, एंड आफ्टर डैट एट लास्ट ये हमें चंद एक URLs वगैरह देगा कि अगर आप ISQL+ से साइन अप होना चाहते हैं, सो यू डू टू डू हैव वट। अब ऑन अदर एंड साइड वी कैन ऑल्सो डू एडवांस इंस्टॉलेशन। एडवांस इंस्टॉलेशन लाइक कि आप कोई स्टोरेज मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कोई फाइल सिस्टम, ASM या रॉ डिवाइसेस, वी हैव बोथ थ्री ऑप्शंस। एट अ मोमेंट वी आर गोइंग टू यूज फाइल सिस्टम, एंड फाइल सिस्टम जो हमारा बाय डिफॉल्ट लिनक्स का है। लेटर ऑन वी विल स्टडी ASM बट नॉट रॉ डिवाइसेस, या हम ASM को कॉन्फिगर करेंगे ऑन अ रॉ डिवाइसेस। ऑन अदर एंड साइड अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो हम डेटाबेस इंस्टॉल करते हैं, डेट इज हैविंग इट्स ओन डेटाबेस कंट्रोल, नॉट अ योर ग्रिड कंट्रोल। ग्रिड कंट्रोल बेसिकली ये होगा कि एक ही एप्लीकेशन सर्वर इंस्टॉल होगा और एक ही कंसोल एक्टिवेट होगा, उस पर तमाम डेटाबेसिस बाइंड हो सकती हैं, ठीक है। जबकि इंडिविजुअल कंसोल ये होता है कि हर एक डेटाबेस का अपना अपना सेट ऑफ रिपोजिटरी है ऑफ मैनेजमेंट सर्विसेज, उसके हर एक का अपना अपना इंटेलिजेंट एजेंट, हर एक का अपना अपना एम्बेडेड OMS ओरेकल मैनेजमेंट सर्वर, जिससे आप कोई जॉब बना सकते हो, उसको पूरा ग्राफिकली देख सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डू इट। सो बैकअप एंड रिकवरी की ऑप्शन के आर्काइविंग एनेबल करनी है कि नहीं, ईमेल नोटिफिकेशन के अगर कोई भी इवेंट इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो तो क्या वो ऑटोमेटिकली आपको, अगर आप SMTP प्रोटोकॉल के यहाँ पे एड्रेस दे दें, वो आपको स्पेसिफाई कर देगा। इफ़ यू वांट टू इंटरेस्टेड सम क्लस्टर रेडी सर्विसेज, लाइक आपने कोई लेटर ऑन उसको रैक के ऊपर कन्वर्ट करना है और आप चाहते हो कभी से आप CRS बना के रख लो, तो यू कैन डू CRS। इन एडिशन क्लोनिंग का कोई बिहेवियर डिफाइन करना है ताकि आपकी जो प्रोडक्शन डेटाबेस है वो टेस्टिंग डेटाबेस के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट वन। नो नो, जब करेंगे क्लस्टर एट दैट टाइम होगी, लेकिन अभी वो अपना होम बना के रख लेंगे जी। द नेक्स्ट वन इज इन इंस्टॉलेशन इन अ साइलेंट मोड। हमारे पास एक और मोड है कॉल्ड साइलेंट मोड। साइलेंट मोड वैसे इसके लिए वी नीड वन प्री रैक ओरा INST.log फाइल। जब आपका ओरा इन्वेंट्री का फोल्डर क्रिएट होता है, ये उसमें फाइल बन चुकी होती है। अगर आपने आज तक ओरेकल की कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉल की है, सो दिस फाइल इज प्रेजेंट। अब अगर आप अपने इंस्टॉलर को रन करना चाहते हैं साइलेंट मोड में, तो यू हैव टू राइट डाउन --run installer-silent और साइलेंट के बाद -file और आगे फाइल का पाथ, क्योंकि हमारे पास यही चीज़ें जो अभी मैंने ग्राफिकल स्क्रीन में दी तमाम की तमाम के, लाइक ओरेकल का होम क्या है, यूज़र का नाम क्या है, ये तमाम चीज़ें एक फाइल होती है रिस्पॉन्स फाइल, उसकी एक्सटेंशन .rsp होती है, इसमें तमाम डिफाइन कर दी जाती हैं और रिस्पॉन्स फाइल का पाथ दे दिया जाता है। या फिर 10G एक और ब्यूटी के साथ आया है, 10G सेज कि जब आप इंस्टॉलेशन करें तो आप उसको रिकॉर्ड कर लें किसी रिस्पॉन्स फाइल में, तो उसका फ्लैग होता है -record -destination file, आगे फाइल का पाथ और फाइल का नेम। बेनिफिट क्या होता है, आप GUI मोड पे इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, लेकिन जो आप पैरामीटर्स दे रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पॉन्स फाइल बना के रख लेगा, ताकि लेटर ऑन कभी आपको अनअटेंडेड बिहेवियर में इंस्टॉलेशन करनी पड़े, या अगर ये उस वक्त यूज़ होता है जब आपने नॉन GUI एनवायरमेंट में इंस्टॉलेशन करनी होती है। सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज साइलेंट मोड। साइलेंट मोड लगा रहेगा, इसकी अपनी ट्रेस फाइल्स भी जनरेट होंगी, जिसमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी एक्टिविटी हुई कौन सी नहीं। जैसे HP UX सर्वर है, आपके IBM का AIX है, Solaris है, सो जहाँ कहीं पे भी एंटरप्राइज या कॉरपोरेट लेवल में डिप्लॉयड होता है किसी MPP मशीन या न्यूमा मशीन पे, तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ अ नॉन GUI एनवायरमेंट, ठीक है। सो DBCA, NetCA, ये भी आपका जिसे कहते हैं Oracle यूनिवर्सल इंस्टॉलर, दीज दे ऑल कैन बी एक्टिवेटेड इन अ साइलेंट मोड। ये तमाम के तमाम साइलेंट मोड पे एक्टिवेट हो सकते हैं। नाउ लुक एट कि अब ये टू स्क्रिप्ट्स आपको कह रहा है कि जी इन्हें रन करें और अपनी इंस्टॉलेशन को क्लोज डाउन करें, सो यू हैव टू ओपन अ सेपरेट टर्मिनल। आप इसमें रूट से साइन अप होंगे और इन्हीं टू स्क्रिप्ट्स को इसी ऑर्डर में चलाएंगे।
Now switch up user to the root and provide the root pass. Now first one, जिसने परमिशन 770 रीड राइट की परमिशन दे दी ताकि और इन्वेंट्री फोल्डर में आप कोई भी काम कर सकें. नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट वन. ओके, लुक एट, जैसे मैं ये करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट बताता है कि जी आप इसको इसकी बाय डिफॉल्ट बिन फोल्डर बताएं विच इज यूएसआर लोकल बिन. अब ओ इंस्टॉल डॉट डी बी ए, उनको इसके ऊपर राइट्स नहीं है. बेसिकली ओरेकल ने 3-4 फाइल्स जनरेट करनी होती है कॉल्ड डी बी होम और ई एन वी सी और ई एन वी. जब आप कल को डी इंस्टॉलेशन करेंगे तो यू हैव टू जस्ट रिमूव ओरेकल होम एंड दीज 3 फाइल्स फ्रॉम योर यूएसआर लोकल बिन. सो ओरेकल गॉन टू बी रिमूव्ड क्लीनली जस्ट लाइक जैसे आप अपनी विंडोज से करते थे. आपको कोई ओरेकल का यूजर वगैरह ड्रॉप करने की या ग्रुप ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट अपना डी बी सी ए से डी इंस्टॉलेशन करें, ओ यू आई से डी इंस्टॉलेशन करें, रिमेनिंग वन फाइल्स को डिलीट करें और ये 3 फाइल्स इन्हें नोट डाउन कर लें कि यूएसआर लोकल बिन से रिमूव कर दें. योर होल डेटा बेस गॉन टू बी इमीजिएटली वॉश्ड. एंड जाते जाते ETC और टैब में अगर आपने एंट्री की हुई है उसको ऑटो अनेबल करने के लिए तो इस एंट्री को भी नो पे सेट कर दें. दैट्स ऑल. सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 2 गॉन टू बी एंड. नाउ मूव टू द चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 इज प्राइमरीली डेटाबेस क्रिएशन यूजिंग योर DBCA. ठीक है. सो ये देखिए कि आपको बता रहा है कि ISQL प्लस अगर आपने जाना है तो यू हैव टू यूज व्हाट. आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दैट वन. तो नेक्स्ट वन देखते हैं.